नमस्कार आई बी 24 में आपका स्वागत है। मैं हूँ साक्षी धीमान और इस वक्त हम मौजूद हैं एसपी ऑफिस के रेजिडेंस के सामने। और इस वक्त यहाँ पे आप देख सकते हैं जो तमाम लोग आए हुए हैं, ये किस लिए आए हैं मैं आपको बताना चाहूँगी। अभी हमने आपको 2 दिन पहले खबर दिखाई थी जिसमें वीरेंद्र की हत्या कर दी जाती है, स्कूल में चाकू घोप कर हत्या कर दी जाती है। तो ये रोड समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं ताकि जो वीरेंद्र है उसको इंसाफ मिल सके। फिलहाल बताया जा रहा है कि शुभम को पकड़ा जा चुका है, पर जो बाकी आरोपी है उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जा सके, इसलिए जो यहाँ पे रोड समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दीप सिंह कारसा रोड महासभा अध्यक्ष हैं। ग्रीन के जो मर्डर हुआ है एक प्री प्लान मर्डर था, क्योंकि वो क्रिमिनल परिवार से हैं, तो उन्होंने जिस तरह की हत्या की है उसमें 10-15 लोग उसमें शामिल हैं। ये हमारी मांग है कि भी सभी को अच्छे ढंग से उनको पकड़ करके उनका पूरा रिमांड लिया जाए और उनको न्याय मिलना चाहिए परिवार को, और इससे संबंधित जो भी हुआ है इसमें उनको सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए ताकि न्याय में कोई दिक्कत ना हो। तो एसपी साहब ने हमें वो आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी जितना भी जल्दी हो सका हम उनको अरेस्ट करेंगे। क्या सर अपने बाई नेम एफआईआर दर्ज कराई? हाँ, 10-12 लोगों की बाई नेम है, उससे अलग भी जो भी इसमें शामिल लोग हैं हमें पूरी जानकारी नहीं है अभी इसमें शामिल कौन कौन लोग हैं, क्योंकि उसका जो मामा ऑलरेडी क्रिमिनल है, वो उसने कई मर्डर किए हुए हैं और नहीं नहीं उस लड़के को परिवार का सपोर्ट भी नेचुरल है, वो तो आज से नहीं है, शुरू से ही है, उसने पहले भी कई क्राइम की वीरेन के उसके परिवार के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और हम एसपी साहब से मिलने आए थे। एसपी साहब से हमारी यही मांग थी कि जो एक मेन एक्यूज था शुभम, उसको तो एसपी साहब ने बताया कि गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन बाकियों की भी 10-12 लोग जो बाई नेम एफआईआर है, जो मौके मौजूद भी थे और सारों ने घटना में मिलकर अंजाम दिया है, तो उसके लिए भी हम आए थे कि भाई उनको भी अरेस्ट किया जाए और जो परिवार के लोग हैं उनको भी सुरक्षा मुहैया करी जाए, क्योंकि अभी भी एक गांव की बात है, सारे एक गांव के लोग हैं, अभी भी उनको धमकियां दे रहे हैं तो भाईचारा भी ख़राब होता है। इसे तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई जो परिवार के लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और बाकी जो एक्यूज़ में बचते हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। धन्यवाद।